हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं और आप अपने चैनल में शॉर्ट वीडियो अपलोड करते हैं और आपके भी वीडियो की क्वालिटी अपलोड होने के बाद डाउन हो जाती है, पहले की तरह उसकी क्वालिटी नहीं रहती, मतलब वीडियो एकदम धुंधली दिखाई देती है, सो आज की वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा और कुछ टिप्स दूंगा जिससे आपके शॉर्ट वीडियो की क्वालिटी यहाँ से यहाँ आ जाएगी, अपलोड होने के बाद भी वही क्वालिटी रहेगी जैसे पहले थी, फुल HD। सो गाइज, कुछ गलतियां तो हम लोग खुद ही करते हैं, वीडियो शूट करने से लेकर एक्सपोर्ट और अपलोड करने तक, वो गलतियां हम लोगों को नहीं करनी है। सो चलते हैं अपने फोन स्क्रीन पर और मैं कुछ टिप्स देता हूं आप लोगों को और जो गलतियां हम लोगों को नहीं करनी है वो बताता हूं। 3 टिप्स दूंगा और तीनों आपको देखना है अच्छे से, लास्ट वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो कहीं स्किप मत करना। टिप्स नंबर 1, जब हम अपनी वीडियो शूट करते हैं सो हमको अपने कैमरे की सेटिंग पर जाना है और यहाँ पर हमको हाई रेजोल्यूशन सेट करना है। अब देखिए, यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं ऊपर, हो सकता है आपके फ़ोन में मतलब ऊपर नीचे ऑप्शन आए। फर्स्ट में ऊपर देखिए 720p और उसके बाजू में है 1080p और लास्ट में है 4K, ठीक है। तो हम 1080p भी कर सकते हैं, उसमें भी HD वीडियो शूट होती है। सो मैं 4K करूँगा, आपके में 4K नहीं आ रहा है तो आप 1080p कर सकते हैं। यहाँ पर हाई रेजोल्यूशन हमको सेट करना है, उसके बाद हमको अपनी वीडियो शूट करनी है। टिप्स नंबर 2, जब हम अपनी वीडियो शूट कर लेते हैं कैमरे से और उसके बाद जब हम एडिट करते हैं, जैसे मैं VN और काइनमास्टर से एडिट करता हूँ और सिस्टम में फिल्मोरा से करता हूँ, तो यहाँ पर हमको जब एक्सपोर्ट करते हैं ना जब हम अपनी वीडियो, तो हमको यहाँ पर भी हाई रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट करना है। और बिट रेट जो है, ये देखिए नीचे वाला बिट रेट, इसको पूरा फुल कर देना है, ये देखिए, और फिर एक्सपोर्ट करना है हाई रेजोल्यूशन में, हमको एक्सपोर्ट करना है। ऊपर वाला ऑप्शन देखिए, जो लाइन है मैंने फुल कर दिया हूँ, और फिर हमको एक्सपोर्ट करना है। ऐसे ही काइनमास्टर में करना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमको हाई रेजोल्यूशन में ही एक्सपोर्ट करना है, FHD ऊपर दिया है ऑप्शन 1080p, तो हमको 1080p यहाँ पर भी सिलेक्ट करना है दोस्तों, जब जाकर हमारी काइनमास्टर में भी फुल HD वीडियो एक्सपोर्ट होगी। और जो बिट रेट है उसको पूरा फुल कर देना है, हमको हाई पर रखना है बिट रेट को, ध्यान रखें दोस्तों, बिट रेट को हमको हाई पर रखना है और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करना है। अब टिप्स नंबर 3, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमको यहाँ पर जाना है अपने यूट्यूब पर, मतलब हमको अपने चैनल पर जाना है और चैनल के लोगो पर क्लिक करना है और यहाँ पर दिया है सेटिंग पर हमको क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस दिया हुआ है, यहाँ पर हमको क्लिक करना है और यहाँ पर वीडियो क्वालिटी ऑन मोबाइल नेटवर्क, यहाँ हमको हायर पिक्चर क्वालिटी सेलेक्ट करना है जिसमें टिक लगा है, यहाँ पर आपको टिक लगाना है, ठीक है, ये सिलेक्ट करना है और नीचे भी आप हायर पिक्चर क्वालिटी में सिलेक्ट करके रखें और फिर हमको बैक करना है और अब हम अपनी वीडियो अपलोड करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों, काफ़ी सारे लोग गलती जो करते हैं वो क्रिएटर शॉर्ट कर देते हैं, हमको यहाँ क्रिएटर शॉर्ट नहीं करना है, हम लोग को अपलोड आ वीडियो पर क्लिक करना है। जब आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी वो शॉर्ट में ही होगी, लेकिन हमको यहाँ पर क्रिएटर शॉर्ट नहीं करना है दोस्तों। क्रिएट अ शॉर्ट हम करते हैं तो हमारे वीडियो की क्वालिटी बिल्कुल डाउन हो जाती है दोस्तों, तो हमको क्रिएट अ शॉर्ट नहीं करना है, अपलोड अ वीडियो पर जाकर अपलोड करना है हमको। देखिए, अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट, फिर से नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर वीडियो से रिलेटेड कुछ टाइटल डाल लेंगे और यहाँ से थंबनेल सेट कर लेंगे हम, जो भी हमको थंबनेल चाहिए वीडियो के बीच का, और यहां से करेंगे डन और यहां से फिर अपलोड कर देंगे दोस्तों। और इन्हीं सब बातों का आपको ध्यान रखना है और इसी तरीके से शॉर्ट वीडियो अपलोड करना है दोस्तों, जैसे मैंने बताया। और यही था आज का वीडियो, आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द।